पेश करते हैं चंबल की खूंखार शेरनी, नौटंकी फूलन देवी, नौटंकी फूलन देवी। स्वामी क्या बात है, क्यों उदास हो? भगवान, किस्मत का लिखा कभी नहीं मिटता। लड़की की शादी होगी, उसको वर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लिखा जो क्रम में भुगत ना पड़ेगा, लिखा जो करम में भुगत ना पड़ेगा, लिखा जो करम में भुगत ना पड़ेगा। Bye.
आचार, लेकिन ये सच मान लीजिए। भूलाचार लेकिन ये सच मान लीजिए। स्वामी, कुछ ना करना पड़े मगर फूलोंगी शादी करना है। रामलाल से मेरी तय हो गई है, वो तैयार है। उनसे मैंने कह दिया है मेरे पास सिर्फ लड़की है और कुछ देने को नहीं है। अरे भगवान, उनसे ये भी कह दिया है कि फूलन की शादी हो गई है? हाँ हाँ, वो तैयार हैं। तो भगवान पे भरोसा रख, हमारी बिटिया की बारात आएगी और अवश्य आएगी। बेटी फूलन। जी माता जी। देखो, मैंने तुम्हारी शादी दूसरी जगह तय कर दी है। अगले महीने में तुम्हारे हाथ पीले कर दूंगी। बहुत अच्छा। मेरे माता पिता मेरी दूसरी शादी करना चाहते हैं। अब मुझे अपने पति के घर चलना चाहिए। कौन? फूलन? हाँ स्वामी। तू इतनी रात गए यहाँ क्या करने आई है? जा, यहाँ से निकल जा। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कैसे आई है तू? क्या है मतलब तेरा? बेहया आई है तू यहाँ रात में? बाप तेरा बड़ा ही कमीना पुरुष, जूते मारे मेरे भरी पंचायत में। स्वामी, मैं अपना मायका हमेशा के लिए छोड़कर आपकी शरण आई हूँ। मेरे भगवान, मेरे मंदिर सब कुछ आप ही तो हैं। मैंने दूसरी शादी कर ली है। नहीं नहीं, मुझे तेरी जरूरत नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। स्वामी, कौन है ये? कौन है मेरे स्वामी, ये बतलाइए। रात इतनी में क्यों आई है मेरे घर? रो रही और दुखी भी दिखाती मुझे, क्यों ये घबराई है किसका? ये मेरी पहली पत्नी फूलन है, जो यहाँ रहने के लिए आई है। मगर तुम घबराओ नहीं, मैं इसे अभी निकाल देता हूँ। नहीं स्वामी, अब आई गई है तो उसे रहने दीजिए। घर में सब काम करेगी और हमारा क्या रहेगी? फूलन, इधर आओ। जी। देखो, तुम्हें घर का सब काम करने पड़ेगा। झाड़ू, बर्तन, चौका, आखिर जितना घर में काम है वो तुमको सब करने पड़ेगा। आप बेफिक्र रहिए जीजी, मैं सारा घर का काम करूंगी। और देखो, इनसे अकेले में कभी बात मत करना। बहुत अच्छा। हाय, क्या जवानी! आखिर मेरी पहली पत्नी है, तो चलो आज इस जवानी का मजा लें। रानी। कौन? क्या आप? क्या सो रही हो इस वक्त? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। अरे तू क्यों डरती है? अगर जीजी को पता लग गया तो? इसकी परवाह न दिलदार, तुम मुतलक करो। घर में तेरा हुक्म ही बजाएंगे हम। अपनी जिज्जी और पिज्जी का डर ना करो। तू कहे उसको घर से भगा देंगे हम। कीजे खता को अताब पिया, तजती कहना तुम्हारा कभी नहीं। जीजी को घर खबर लग गई ये पिया।
रहना भाई हमारा कभी भी नहीं। अगर जीजी को खबर लग गई तो मेरा रहना उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्या बात कर रही हो तुम, जीजी पीजी से मत डरो, सुनो। नहीं नहीं अरे बात तो सुनो। अरे रहने दीजिए। ओहो डरो मत, क्यों घबरा रही हो? रहने दीजिए, छोड़ो ना। अच्छा यहाँ गुल छल्ले उड़ा रही है, क्यों री क्यों री? मैं हक में नहीं, तूने अच्छा किया, इस कमीनी को जो पास आए किया, इसकी सूरत से नफरत हो गई है बहुत, इसको जल्दी यहाँ से भगाओ। चोरी चुड़ैल इधर आ, निकल जीजी यहाँ से, निकल जा। मेरी गलती नहीं, मुझे माफ कर। मैं कहती हूँ यहाँ से निकल जा, मुझे माफ कर दे जीजी। निकल जीजी, मुझे माफ कर दे, निकल जा। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, निकल। नहीं मैं नहीं जाऊंगी जीजी, मुझे निकाल दो, छोड़ निकाल। इतने में फूलन अपने ससुराल से निकाल दी जाती है और वो जगन जमींदार के यहाँ पर जाकर खेतों पर काम कर रही है। माधो, ओ माधो, अबे क्या मर गया? आया सरकार, बोलो क्या बात है? माधो तो घबराना नहीं, पुलिस मेरी मुट्ठी में है, मेरे एक इशारे पर ये सारा का सारा इलाका तबाह हो सकता है। तो भूल गया माधो कि जगन सिंह वो खिलाड़ी है कि जिसने एक एक मुट्ठी अन्न देकर इस गांव की इज्जत को खरीद रखा है। तू मेरे साथ रहे, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और क्यों बुलवाया आपने, क्या है मुझसे काम? ठाकुर जी कुछ बोलिए, आया माधोराम। अबे मैंने तुझे इसलिए बुलाया है, क्या इस गांव में कोई किसी की लड़की, किसी की बहन, किसी की बेटी जवान नहीं हुई बे? हाँ किसकी है? एक जवान है। दीन दयाल की है एक अच्छी सुता, वो तो मनमोहनी जन्नती हूर है, नाम फूलन है उसका। ठाकुर साहब सुनो, इस समय वो जवानी में भरपूर है। अच्छा तो तू राम दीन की बात कर रहा है? अबे लेकिन उसकी लड़की की तो शादी हो गई बेवकूफ, वो तो अपनी ससुराल में है। आपकी बात सही है, लेकिन सरकार जब शादी हो गई थी तब हो गई थी, उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और उसे मार के ससुराल से निकाल दिया। इस समय वो हमारे ही खेतों पर काम कर रही है। हमारे ही खेतों पे? हाँ। लो हमारे बाग में फूल और हमें मालूम ही नहीं। अबे जा तो उसे ले आना। ऐसा कर, उससे कहना कि बगीचे वाली जो कोठी है ना, उसमें किसी बहाने ले आ दारी को, फिर देखेंगे। ठीक है सरकार, अभी गया और अभी आया। चल फूलन, तुझे जमींदार साहब की बगीचे वाली कोठी साफ करनी है, चल मेरे साथ चल। बहुत अच्छा। सरकार। हाँ सरकार, ले आया। ले आया? हाँ। तो जा, वो शराब की बोतल जो रखी है और वो भुना हुआ मुर्गा रखा है, तू जा अपनी सेहत बना और इसका हाजमा मैं दुरुस्त करता हूँ। सरकार कुंडी लगा दूँ? जा जा जा, कर रहा कुंडी बंद, जा भाग। आओ फुलवारानी। अरे हम तो तुम्हारा ही बड़ा बेताबी से इंतजार कर रहे थे मेरी रानी। आप यहाँ क्यों आए? अरे रानी ये भी कोई पूछने की बात है, कोई और तकरी हो, कोई मर्द क्यों उसके पास पहुँच जाता है? जी मैं समझी नहीं,
आप क्या कहना चाहते हैं? अरे रानी, हम तो बिल्कुल साफ कह रहे हैं तुमसे, आओ और हमारे सीने से लग के हमारे दिल की प्यास बुझा दो। क्या ठाकुर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे लोग कोई बुरी बात कर रहे हैं? अरे रानी, तेरे पति ने भी तुझे घर से भगा दिया है और इस टाइम तू भी नूटल है, तेरी कसम। आजा, दोनों मिलके जवानी के मजे लूटे। ठाकुर साहब, भूत तेरे इश्क का पल में उतारूंगी अभी, मुंह लगी खाते हो क्यों, जूता मारूंगी अभी। जी चाहे कुछ भी कहो, जी चाहे कुछ भी कहो, ये तो तुम्हारी भूल है। हर गुलों में खुशनुमा तू मेरे मन का फूल है। दुष्ट पापी जा चला, कहना हमारा मान कर, भगवान की कसम दूंगी थप्पड़ तान कर। ठाकुर से ऐसी बात, तुझे शर्म नहीं आती? ठाकुर साहब आगे ना आना, नहीं तो मैं तुम्हें मुंह की चखा दूंगी। मुझे और मुंह की? मेरा नाम सुन के आसपास का इलाका थर्रा जाता है और तू मामूली सी नीच मल्ला जात की मुझे धोल देती है, थप्पड़ दिखाती है। अब मैं तुझे अपना असली रूप दिखाऊं। ठाकुर साहब, जिस समय आबरू मेरी लुट जाएगी, उस घड़ी फूलन जहरीली बन जाएगी। मरने जीने की परवाह, परवाह है मुझको नहीं, ठाकरों से बगावत फिर बन जाएगी। कुतिया दलील नीच, तू और ठाकरों से बगावत, आ मैं तुझे अपना असली रूप दिखाऊं। ठाकुर सीधी उंगली से नहीं निकलता, तो घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करना पड़ती है। आ मैं तुझे दिखाऊं। फूलन को समझो, लड़की समझ कर डराना चाहते हो, लेकिन फूलन डरने वाली नहीं। मैं कहती हूँ हट जाओ। अरे रानी चल, हट जाओ। आ आ छोड़ दे मुझे। अरे चिल्ला नहीं, बचा जी भर के चिल्ला, बचा। अरे जी भर के चिल्ला और जोर से चिल्ला, बचा। ये जमींदार की हवेली है, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। कोई है? खूब चिल्ला, बचाओ। आज मेरे दिल की प्यास बुझा बदल, तो ये यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। छोड़ दे नीच, छोड़ मुझे, छोड़, बचा। अरे छोड़ कैसे तू, छोड़ दूं तुझे? बचा। अरे नीच चल मेरे साथ, मैं तुझे अपना आज असली रूप दिखाऊंगा, तेरी जवानी से खेलूंगा। कोई है? बचा। ठाकुर, कौन? विक्रम। हाँ मैं विक्रम। मेरी हवेली में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? मैं कहता हूँ इस लड़की को छोड़ दे। नहीं तो? नहीं तो तू क्या है बे? मैं बताता हूँ। इसे छोड़ कर दूर हट ओ पापी शैतान, वरना इस बंदूक से ले लूं तेरी जान। जगन जमींदार की जान और तू? अबे चींटी भी पहाड़ पर चढ़ सकती है बेवकूफ, दिमाग खराब हो गए तेरे? अभी तक विक्रम का गुस्सा नहीं देखा है ठाकुर, मैं कहता हूँ इसे छोड़ दे। ये बंदूक की धौंस दिखा रहा है, ठीक है छोड़ दे। नहीं देख लूंगा विक्रम मैं तुझे, देख लूंगा। जाता है? देख लूंगा, जा रहा हूँ मैं, देख लूंगा, देख लूंगा, जा रहा हूँ मैं, देख लूंगा। नहीं जाएगा? जा रहा हूँ। जा। भाग गया कमीन कहीं का। बाबूजी, बाबूजी गर आपकी जमीन होती धाक, ठाकुर जगन सिंह मेरी और करता इज्जत हुआ। मगर तुम ये बताओ तुम कौन हो, किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम, कहां किस तरह आ गई, कहां तुम्हारा धाम। बाबूजी, गढ़पुरबा मेरे गांव का नाम है और दीनदयाल की हूँ मैं प्यारी लली, नाम फूलन मेरा, जान ले नौजवान
मैं उम्र जाई तकदीर की एक गली। बाबू जी मेरा नाम फूलन है, आप अपना नाम भी तो बताइए, आपका क्या नाम है और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम नहीं जानती? सुनो, नाम विक्रम मेरा, नाम डाके कहे बाबू गुजर मेरा पक्का सरदार है और परिवार में मेरे कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ सुना संसार। बाबूजी आप भगवान नहीं इंसान हैं, अगर आज आप ना होते तो ये जमींदार का बच्चा तो मेरी इज्जत खराब कर ही देता। नहीं फूलन, मैं भगवान नहीं, सिर्फ इंसान ही रहने दो, जाओ तुम अपने घर जाओ। घर? बाबूजी मेरा कोई घर नहीं, मैं तो तकदीर की वैसे ही सताई हुई हूँ, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, अगर घर जाती हूँ तो ये जमींदार मुझे परेशान करेगा और इधर आप मिल गए तो मुझे पुलिस परेशान करेगी। हाँ अगर तुम गांव जाओगी तो जमींदार तुम्हें परेशान करेगा और अब मुझसे मिलने के बाद पुलिस भी तुम्हें परेशान करेगी, अब तुमने क्या सोचा है? क्या बताऊं बाबूजी, यही सोचती हूँ कि अगर मुझे कोई सहारा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर हो सके तो तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें आज से अपने साथ रखूंगा, आओ मेरे साथ। आओ फूलन चलो मेरे साथ। विक्रम थोड़ा रुको, मुझे भी तो अपने दिल की कहने दो। हाँ हाँ जरूर कहो। बिजली को देखकर तुम्हारा मन क्या कह रहा है? तुमने मेरी लाज बचाई, तुमने मेरी लाज बचाई, मेरा धातु प्रेश बनाई। अच्छा? मेरा मुझे मिल गई हो तो आज मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा ऐसा बालम कहाँ मैं पाऊँ, ऐसा बालम कहाँ मैं पाऊँ, तेरी बहादुरी पे बल बल जाऊँ। अरे मेरी क्या बहादुरी है, ये भी तो सब जो कुछ है तुम्हारी बदौलत है। तेरी बहादुरी पे बल बल जाऊं,
तेरी बहादुरी पे बल बल जाऊं धक 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 धड़के जीरा तुम्हारी कसम धक धक धड़के जीरा तुम्हारी कसम धक धक धड़के जीरा तुम्हारी कसम फूलन मैं भी ये चाहता हूँ कि अब ये जिंदगी तुम्हारे सहारे काट दूँ आओ तो मेरे जरा सीने से लग जाओ तुम्हें सीने से लगाकर आज मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा अच्छा हाँ आओ फूलन मैं तुम्हें अपने सरदार के पास ले चल रहा हूँ बहुत अच्छा चलिए जय भवानी की ठाकुर जय भवानी की हाँ विक्रम अरे ये कौन अरे वाह क्या सोने की चिड़िया लेकर आया है तबीयत खुश कर दी तूने ये चिड़िया नहीं सरदार एक डाल की मैना है मैना खैर ऐसा करो हमारे पास हथियार खत्म हो गए और सलाह सेठ जानकीनाथ हमें जानता नहीं तुम ऐसा करो कल तक हथियार लेकर वापस आ जाओ सरदार मैं अभी गया और अभी आया शाबाश अभी हथियार लेकर के आता हूँ मगर फूलन का ध्यान रखना फूलन का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखूंगा तू बेफिक्र जा विक्रम आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है क्यों घबरा रहा है भगवान जाने मेरी सीधी आंख क्यों फड़क रही है अरे पागल अभी पुलिस के पास वो गोली नहीं बनी जो कि विक्रम का सीना छन्नी कर सके नहीं विक्रम ये बात नहीं मुझे पुलिस का डर नहीं मुझे तो तुम्हारे सरदार से डर लग रहा है मुझे इसकी नियत बहुत खराब मालूम पड़ रही है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है घबराने की तुम्हें कुछ नहीं होगा मैं जाता हूँ और कल तक आ जाऊंगा बस प्यारे विक्रम तुम जा रहे हो हाँ तो जाते जाते मेरी बात सुनते जाओ अच्छा तुम्हें कुछ कहना है हाँ विक्रम मगर जरा जल्दी कहना क्योंकि मुझे कल तक वापस लौट कर आना है विक्रम तू आज से मेरा सुहाग और मेरा सुहाग है मैं तेरी रागनी हूँ तू मेरा राग है
फर्क नहीं कुछ भी। अच्छा? और मैं मतवाली हूँ नागिन, तू मेरा नाग है। चिंता मत करो, मैंने ठाकुर से सब कुछ कह दिया है, वो तुम्हारा पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, और तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। दिलावर सिंह, क्या बात है बहादुर सरदार? ठाकुर जगन्नाथ सिंह से कहना कि हमने बुलाया है, और उनसे कहना कि आज तुम्हारी दावत है हमारे यहाँ, शराब की भी और शबाब की भी। बहुत अच्छा बहादुर सरदार। फूलन, खुशबू मिली है मुझको तेरे काले बाल से, आज तू बच के नहीं जा सकती है बाबू के हाथ से। आप क्या कह रहे हो ठाकुर साहब, जरा सोच समझ के बात करो। जालिम जरा ये सोच ले, घेरा है तुझको काल ने, मौत का पैगाम भेजा है आज तेरे ही ऐमान ने। बंद बकवास कर, मैं बहुत सुन चुका, नाज नखरा यहाँ पर दिखाओ नहीं, दिल की धड़कन हमारी बढ़ी जा रही, आग नफरत की उसमें लगाओ नहीं। सरदार साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सरदार साहब, पड़ पाँव में आपके, मेरी इज्जत पे धब्बा लगाओ नहीं, जान दीजिए मुझे घर को मैं जा रही, जान करके अकेली सताओ नहीं। शोक से जो मुझको कबिल कार है, किंतु अरमा मेरा पूरा कर दीजिए, मैं हूं दीवाना रानी तेरे प्यार का, मैं हूं दीवाना रानी तेरे प्यार का, साथ में मेरे सोकर मजा लीजिए। सरदार साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मैं दया की भीख मांगती हूँ। अरे जगन्नाथ सिंह, जय भवानी की ठाकुर, जय भवानी की। आज सुना कि आपने हमें याद किया है, तो सर के बल चले आए। हाँ ठाकुर जगन्नाथ सिंह, यार तो हमारे दोस्त भी हो, और हर डाके में हमारी मदद भी करते हो। लेकिन एक बात हम और कहेंगे तुमसे ठाकुर, तुम्हारे उस विक्रम ने हमारे दिल का चैन, हमारा करार, रातों की नींद सब हराम कर दी उस कुत्ते ने। अरे छोड़ो, आज देखो तुम्हारे लिए क्या चीज लेकर आए। अरे जो दाढ़ी दाग देके गई है उसका तो पता ही नहीं यार। अरे हम तुम्हारे लिए फूलन लेकर आए हैं। फूलन? हाँ, फूलन। क्या? लेकिन उससे पहले शराब का एक एक जाम हो जाए। अरे जरा तो दस हो जाए, जब फूलन एक तो तन मन धन सब हाजिर है आपके लिए। ड्राइवर सिंह, दारू का इंतजाम कर लीजिए। ले आओ खींच कर उसको। ले आओ दारी को, कहा है? अरे आज तो ये लाल जोड़े में है, लाल परी मालूम पड़ रही है। मुझे छोड़ दे लाला, मुझे छोड़ दे। अरे छोड़ दे, तेरे पीछे तो जालिम ना जाने कहां कहां भटकते फिरे, और तुझे छोड़ दे। मैं तुम लोगों से दया की भीख मांगती हूँ, मैं तुम्हारे पैर मुझे छोड़ दो। अरे सरदार एक बात याद आई, हम सब लोग मिल बांट के खाएंगे। चलो जल्दी तुम्हारी मर्जी। हाँ आप खाए अलग का तो बांट खाए बरक का। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जा दारी, जैसा तूने किया वैसा तुझे फल दिया हमने।
और एक ऐसा खौफनाक मंजर गुजरा कि सब ने मिलकर फूलन की इज्जत लूट ली और फूलन ग्रोह से बाहर भाग जाती है। दावर सिंह, बहादुर सरदार, विक्रम आ रहा होगा और जैसे उसे ये मालूम रहेगा कि हमने फूलन की इज्जत लूट ली तो ये खतरनाक शेर बन जाएगा जिसे पिंजरे में भी कैद नहीं किया जा सकता। वक्त से पहले आदमी को ले जाओ और रास्ते में भून दो साले को। बहुत अच्छा बहादुर सरदार। और फूलन ये सारी बात सुन लेती है और दिलावर के पीछे पीछे जाती है। विक्रम, फूलन, फूलन, विक्रम, हे राम, विक्रम, नहीं विक्रम, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते विक्रम, नहीं नहीं, फूलन, फूलन, लो ये मेरी राइफल, लेकिन मेरा अरमान दिल का दिल में रह गया। उन दरिंदों को मत छोड़ना फूलन, उन दरिंदों को मत छोड़ना बाबू गुजर, जगन जिम्मेदार को मत छोड़ना फूलन। और देखो काले पहाड़ के पीछे मेरा यार जिसका नाम मान सिंह है, उसका गिरोह और वो खुद चंबल में नहा रहा है। जाओ तुम वहां चले जाओ, जाओ फूलन, फूलन, विक्रम, विक्रम, कि मुझे छोड़ विक्रम, कहाँ को सिधारा। हाय मुझे छोड़ विक्रम, कहाँ को सिधारा, मुझे छोड़ विक्रम। मुझे आज से कौन देगा सहारा, मुझे आज से कौन देगा सहारा। विक्रम, मैं तेरे खून की कसम खा के कहती हूँ कि ठाकरों से अगर तेरे खून का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी फूलन नहीं। और फूलन वहां से चल पड़ी होकर बड़ी उदास और दुख से मन भारी हुआ आई मान सिंह के पास। जय भवानी, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा और यहाँ किस काम से आई हो? सरदार साहब, मेरा नाम फूलन है और तुम्हारे दोस्त विक्रम की पत्नी हूँ। फूलन, मगर विक्रम कहाँ है? सरदार साहब, जालिमों ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे विक्रम को मौत की नींद सुला दिया। क्या? विक्रम मारा गया? किसने मारा है उसे? बाबू गुजर ने। जुल्म किसने किया है तेरे साथ में, साफ बतला दो मुझको, करो कुछ नगम उसको जिंदा जहां में मैं भी छोड़ू ना,
खा के कहता हूँ फूलन तुम्हारी कसम। साथ में जुल्म की ना जगन सेठ ने पहले असमत उसी ने बिगाड़ी मेरी, साथ बाबू ने भी और घात मुझसे करी, उन दरिंदों ने दुनिया उजाड़ी। गुफ्तगू तेरी सुन और हुआ मुझको यकीन, जालिमों ने सताया तुझे किस कदर, तुझको गोली चलाना और सिखाऊंगा मैं, बदला दिलवाऊं मुझको नहीं है उधर। फूलन धीरज से काम लो, अगर मैं संसार में जिंदा रहा तो ठाकुर जग्गन सिंह और वो बाबू गुजर इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। मैं तुझे घोड़े पर चढ़ना सिखाऊंगा, मैं तुझे बंदूक चलाना सिखाऊंगा। फूलन पहुंच दे ये बिंदिया, मिटा दे ये सिंदूर, तोड़ दे ये चूड़ियां और थाम ले बंदूक। तेरा निशाना अचूक हो चुका है, मुझे विश्वास है कि तू अब उड़ते हुए पंछी को भी अपनी बंदूक की गोली का निशाना बना सकती है। मैं तेरी बहादुरी से और तेरे हौसले से खुश होकर इस गिरोह का सरदार मैं तुझे बनाता हूं। फूलन देवी की, फूलन देवी की, फूलन देवी की। अब बता फूलन कि तेरा पहला शिकार कौन है? मेरा पहला शिकार है जमींदार जग्गन और दूसरा शिकार उसका चम्मच माधो। साथियों हाँ सरदार, चलो तो आज सबसे पहले जग्गन सिंह की हवेली पर ही डाका डाला जाएगा। हाँ सरदार, चलो बेवही चले जाए। जय हवेली। माधो। हाँ सरकार। न जाने साले कैसा जाम बनाता है कि तेरे जाम में कुछ मजा नहीं आता। सरकार अब मैं लौंडिया तो हूँ नहीं जो मजा आए। अरे तो किसी की लौंडिया उठा ला। अरे लौंडिया वोंडिया को मारो गोली सरकार, फूलन देवी डाकू बन गई है। डाकू क्या कहा? और इधर की तरफ चली आ रही है। फूलन डाकू हो गई तो चलो चलो छोड़ के शहर को भगे, चलो शहर को भगे। अरे डाकू आ गए, डाकू बचाओ, डाकू आ गए। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे गांव में आग लगा दूंगी। मान सिंह आग लगा दो। नहीं फूलन, इतना जुल्म ठीक नहीं।
वैसे तू हमारी सरदार है, तेरे हुक्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है। फिर भी जो बात मैं तुझे बता रहा हूं उसे ध्यान से सुन। वो क्या? ये फूलन से नहीं और हमें जरा इनकार, बेकसूर मर जाएंगे जब हो धुआं। यहाँ पर पछाड़ खा बच्चे होए यतीम और घर घर बहने रोएंगी, ये जगल माधो मार चैन की नींद में तू सो। जिन्होंने इज्जत बिगाड़ी उन्हीं की करना भारी, मती मारना फूलन तो ऐसा। ठीक है, देखो वो कुत्ता भागे जा रहा है, इसे पकड़ लो और खींच लाओ इसे। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो भैया, कहाँ ले जा रहे हो? कौन कौन? अरे 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 बेटी फूलन, कुत्ते मुझे माफ कर दे बेटी। आज मुझे फूलन बेटी कह रहा है, नीच पापी कुत्ते। बेटी तेरा दिल चाहे जितनी गालियां मुझे दे, लेकिन मुझे हाथ मत लगाइए, मैं बहुत पापी आदमी हूँ। कमीने, तूने मेरी इज्जत लूटी है, आज मुझे तू बेटी कह रहा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे कमीने, तू तो धरती का बोझ है, मार दो इसे गोली। ओ कमीने, माधो के बच्चे, बता कितनी बहन बेटियों की तूने इज्जत बर्बाद की है, कितनी बहन बेटियों की इज्जत टूटी है। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दे फूलन, मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं? और वो भी तुझे? लगा दो इस कुत्ते में निशाना, मार दो इसे। बहमई कांड के बाद 22 लोग मारे जाते हैं, उसके बाद पुलिस में खलबली मच जाती है। सरकार जयराम जी की। आओ काशीनाथ, कहो क्या खबर लाए हो? सरकार, फूलन देवी ने हमारे इलाके में तहलका मचा रखा है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, लेकिन तुम चिंता ना करो, इसका काफी इंतजाम किया जाता है और पुलिस चारों तरफ से लगी हुई है, बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगी। सरकार, अगर फूलन देवी को पता चल गया कि उसकी मुखबरी मैंने की है तो वो मुझे गोली से मार देगी। सरकार काशीनाथ, तुम इसकी फिक्र ना करो। और फूलन देवी अपने ग्रह को लेकर बाबू गुजर की तलाश में चल देती है। आज।
के चंबल नदी में नहा रहा है। अच्छा मान सिंह। हाँ सरदार। चलने की तैयारी करो। साथियों तैयार हो जाओ। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी की। जय भवानी। जय फूलन देवी। मान सिंह पकड़ लो इस कुत्ते को। खबरदार कोई भी हिला तो गोलियों से भून कर रख दिया जाएगा। गिरोह वालों मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी है तो तुम्हारे सरदार से, इस कुत्ते बाबू से। इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वाह वाह, हाथ बंदूक और 40-40 डाकू घोड़े पर सवार। मान सिंह अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझता है ना, तो देख बंदूक और देख ले निशाना। कुत्ते उस रोज मैं तेरे आगे दया की भीख मांग रही थी, तेरे पैरों पे सर रख कर मैंने माफी मांगी थी, लेकिन तूने मुझे माफ नहीं किया। और कितने ही आदमियों ने मेरी इज्जत लूटी, मुझे तूने कहीं का नहीं छोड़ा। हाँ, तो माफी आज भी नहीं मांगूंगा मैं। मैंने जो कुछ किया ठीक किया। चला गोली। बाबू मुझे उस दिन की याद है, एक गांव की भोली भाली लड़की को तूने खूंखार डकैत बना दिया। लगा दो निशाना इस कुत्ते पे। ओ ओ भूलो। चलो जय भवानी की। साथियों अब मेरा प्रण पूरा हो गया है। श्रीमान महोदय मुख्यमंत्री ने अखबार में निकल पाया है कि अगर फूलन तारीख 5 तक भिंड में आत्मसमर्पण कर दे तो जो सुविधाएं मोहर सिंह और माधव सिंह को दी गई हैं, वही सुविधाएं तुम्हारे ग्रोह को भी दी जाएंगी। फिर आप क्या चाहती हैं सरदार? मेरा मतलब है सब मेरे साथियों बात मेरी सुनो, गरना ऐसा करोगे तो पछताओगे, यूं ही करते रहोगे ये खूने जनी, एक ना एक दिन सारे मर जाओगे। मेरा कहना तो ये है कि मेरे साथ तुम लोग भी चलो और आत्मसमर्पण कर दो। हम तैयार है सरदार। तैयार है सरदार। चलो हम लोग सब तैयार है। जय भवानी। जय भवानी। और सब तैयारी हो गई, साथ लिए हथियार, उधर देखन को जुड़ रहे नर नारी कई हजार। मैं फूलन देवी से कहूंगा के कुल जनता के सामने आकर अपना विचार जाहिर करें। जय भवानी। भाइयों एवं बहनों, मैं आपके सामने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर रही हूं, आप लोग मुझे क्षमा कर देना। एक अनोखा राज भारत माता की तुम बढ़कर, सुन लो ये आवाज, सुन लो ये आवाज, सुन लो ये जवानों किसानों।
हमारी है देश का नारा आजादी ये अपनी है आजादी ये अपनी है आजादी है देश का नारा आजादी ये अपनी है आजादी ये अपनी है वीरो रानी झांसी की अब लाल तुम्हें को रखनी है नेहरू की सौगंध बढ़ो दुश्मन को मार भगाओ जवानों भगत सिंह की कुर्बानी भगत सिंह की कुर्बानी भारत माता मांग रही है भगत सिंह की कुर्बानी भगत सिंह की कुर्बानी अपने खून का टीका दे लो और चमका लो पेशानी और चमका लो पेशानी